घटिया सड़क निर्माण को लेकर लोगों ने किया प्रदर्शन। महाराजगंज प्रखंड मुख्यालय के सड़क निर्माण घटिया होने पर लोगों ने प्रदर्शन किया। बताते चले कि सड़क से अग्निशामक गाड़ी, अनाज गोदाम की गाड़ी आती जाती है, लेकिन जो सड़क का निर्माण हो रहा है काफी घटिया हो रहा है। वहीं ग्रामीण पुनीत पुष्कर ने बताया कि सड़क निर्माण काफी घटिया हो रहा है, ना ही ठेकेदार मौजूद थे ना ही अधिकारी, केवल मजदूर के जिम्मे कार्य हो रहा था जो काफी घटिया हो रहा है, इसीलिए हम लोग रोक दिया। फिर से बता दें, खबर महाराजगंज से है, जहां महाराजगंज प्रखंड मुख्यालय के सड़क निर्माण घटिया होने पर लोगों ने किया प्रदर्शन। बताते चले कि सड़क से बड़ी बड़ी गाड़ियां आती जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी सड़क काफी घटिया किस्म का बन रहा है। इसी को लेकर यहां ग्रामीणों ने जमकर प्रदर्शन किया और काम को बंद कराया। क्या दिक्कत है कि आप लोग यहाँ प्रदर्शन किए हुए हैं और सड़क का निर्माण नहीं करने दे रहे हैं? प्रदर्शन नहीं किए थे, ये सड़क प्रखंड मुख्यालय की ये सड़क है, मुख्य सड़क, और इस पे रोज गाड़ियाँ आती जाती हैं, फायर डिपार्टमेंट की गाड़ियाँ लगती हैं, अग्निशमन की, वो लोडेड होती हैं, पानी टंकी से पानी लेके आती हैं, इधर तक जाती हैं। पीछे अनाज का गोदाम है, रोज 10-20 ट्रक आते हैं, 10 टन 15 टन का वजन लेके। और आप देख रहे हैं कि ये रोड जो है वो आज बनाने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। ये टूटा हुआ ईटाकरण रोड है, जिसका ईंटा वीटा भी गायब हो गया था, और ये ऊपर से सिर्फ राबिस गिरा के, जो कि गीला है, कुदाल से बराबर करके इसी पे ढालने की पूरी तैयारी थी। आके पता करने पे मालूम चला कि ये काम विभागीय स्तर पे हो रहा है, मनरेगा के कोई जेई हैं जगत जी, उनके द्वारा कराया जा रहा है, लेकिन वो ही मौजूद नहीं थे। जब उनको फ़ोन किया गया तो उन्होंने कहा कि उनकी जानकारी में ये काम नहीं हो रहा है जी। फिर पता चला कि प्रखंड प्रमुख करा रहे हैं, प्रखंड प्रमुख तो यहाँ आई नहीं है, उनके पति हैं जो हेडमास्टर हैं, वो BRC में ड्यूटी करते हैं, यहाँ प्रतिनियुक्ति है, वो खड़ा होकर काम करा रहे थे। हमने पूछा कि भाई आप काम करा रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं, कोई नंद कुमार ठेकेदार है, हम तो देखने आ गए हैं। पूछा गया कि आपकी तो ड्यूटी है, आप अपना ड्यूटी छोड़ के यहाँ क्या कर रहे हैं, तो कहने लगे कि ना ना, हम तो बस घूमने आ गए थे, जबकि सुबह से वो खड़ा होकर यहाँ काम करा रहे हैं। अब जेई साहब का पता नहीं है, वो नंद कुमार का पता नहीं है, किसी का कोई अता पता नहीं है, कोई भी एस्टीमेट दिखाने को या कुछ भी करने को तैयार नहीं है। किसी ने कहा कि BDO साहब जानते होंगे, वही करा रहे होंगे। क्या मामला है, सब लोग मिलजुल के क्या किस तरह से लूट करने वाले हैं वो दिख रहा है। ये रोड इस पर टिक ही नहीं सकता है, ये जो जिस स्तर पर ये ढालने की तैयारी हुई थी, और अगर इस पर एक ट्रक आएगा तो वो रोड इस तरह से टूट जाएगा। तो ये कुल मिला जुला के क्या है, मतलब क्या असर है इसका? तो इसलिए हमने इन मजदूर भाइयों से अनुरोध किया, और प्रखंड प्रमुख के जो पति हैं उनको भी बता दिया कि भाई आप काम बंद करवा दीजिए, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो ये काम बंद है, अगर फिर दोबारा इसी तरह से काम होगा तो हम लोग जरूर विरोध करेंगे और काम को सही करवाने का प्रयास करेंगे।